और मेरी YouTube फैमिली कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय YouTube चैनल विजल लव टिप्स। आज की मेरी वीडियो है कि चालाक कैसे बना जाए, पार्ट टू लेके आया हूँ मैं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर चालाक बनने का, कि सर कोई दूसरी टिप्स भी और बताइए। फर्स्ट पार्ट में बहुत सारा आप लोगों को प्यार मिला और बहुत सारे व्यूज आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे सर पार्ट टू बनाया जाए, तो पार्ट टू सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। जबरदस्त होने वाली है वीडियो, आप अपने आप को आज पूरा चेंज कर लोगे। तो स्टार्टिंग से लेके वीडियो एंड तक देखना और जितना हो सके वीडियो शेयर करते हैं। जो बोले लोग बने हुए उनके बहुत लोग मिसयूज ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय होए किसी के पीछे, तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है ताकि और किसी की हेल्प हो सके। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और यार जितना हो सके ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ऐसे ही प्यार प्यार कमेंट करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कराना है आपको ताकि 1,00,000 सब्सक्राइबर जल्दी हो सके और हमें सिल्वर प्ले बटन मिल। आज से ही आप चालाक बन जाओगे, आज से आप अपने काम से काम रखोगे, नहीं है तो नहीं बोलना सीख जाओगे। हाउ टू चेंज, कैसे अपने आप को चेंज करें, चेंज आप खुद अपने आप को कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। मैं बस आपको बता सकता हूँ, बस आपको आज से ये चीज़ें करनी है। कैसे करनी है, कोई भी किसी चीज़ के लिए आपको कही कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वहाँ चल रहा है क्या, वहाँ चल रही है क्या, इतने रुपए चाहिए मुझे, इसकी ज़रूरत है, उसने कह दिया आपको, अब आपके पास नहीं है वो चीज़, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बट आपने एक अपनी छवि दिखाने के लिए उसको हाँ कर दिया या कर चुके हो। हाँ, अब आपको दिक्कत आ रही है कि यार मैंने तो हाँ कर दी, अब क्या करूँ मैं, डायरेक्ट मना कर दो कि यार नहीं हो पाएगा मुझे उससे, तब आपकी छवि और आपकी इमेज देखना कितनी बेटर देन बेटर बनती है। अगर आप किसी को भरोसे मत रखो यार, अगर किसी को आप भरोसे रखोगे तो वो आपके भरोसे रहेगा, वो किसी और से हेल्प भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको पता है आप हेल्प कर दोगे तो क्यों किसी और के पास जाएगा। तब वो दिल दुखता है, तब वो आपको अपनी लाइफ से निकालता है, तब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तब दुश्मनी होती है। नहीं, दुश्मनी कोई नहीं होगी आपकी, किसी से भी कुछ आर्गूमेंट बहस वगैरह नहीं होगी, डायरेक्ट मना कर दो, नहीं है यार मेरे पास, तू कहीं और देख ले यार, वो अपना आपसे उम्मीद छोड़ देगा, वो कहीं और किसी और के पास जाएगा, उधर इन्वॉल्व होएगा, अपना मतलब एडजस्टेबल कर लेगा, बट आप उसको भरोसे में रख देते हो और उसको देते नहीं हो वो चीज़, ना उसके साथ जा पाते हो, कुछ भी एक्सेट्रा कोई भी रीज़न हो, बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, डायरेक्ट मना कर दो, नहीं तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। डायरेक्ट मना कर दोगे वैल्यू बढ़ेगी, डायरेक्ट मना नहीं करोगे वैल्यू घट जाएगी यार। वो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, किसी को किसी चीज़ की नीड है, आप हाँ कर देते हो, फिर एकदम से मना कर देते हो, कॉल नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते, ना उससे मिलते हो और कह देते हो कि यार मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो वो खुद ही कहेगा यार पहले ही मना कर देती या कर देता है ताकि मैं अपनी चीज़ एडजस्ट कर लेता। तो ये चीज़ आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है जो मांग रहा है, आपकी गलती है, आपने मना नहीं करा, क्योंकि आप हो ही इस तरीके से, मतलब आप किसी को मना नहीं कर पाते, आपको यूँ लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उसको यूँ फील हो जाएगा, आप अपनी छवि को प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को मतलब बुरा साबित कर ही देते हो बाद में, आपको लगता है मैं अच्छा बन जाऊँगा हाँ करके, बट वो चीज़ हो नहीं पाती, तो आप बुरे साबित हो जाते हो, फिर हर जगह आपकी बदनामी हो जाती है, इसी की वजह से होती है। ये चीज़ आज से ही बंद कर दो, नहीं है तो नहीं है, है तो है, बस ऐसे रखो अपने आप को, तब देखना लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको सैल्यूट करेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। सबसे ज़बरदस्त पॉइंट यही है, चालाक बनने की सबसे बड़ी निशानी यही है, अपने आप को प्रेजेंट करो, अपनी बात रखना सीखना आपको आना चाहिए, एटीट्यूड शो नाओ, अपना रुतबा दिखाओ, अपना एटीट्यूड दिखाओ। एटीट्यूड का मतलब है आपको अपनी बात कैसे रखनी है किसी के सामने, आप बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, बस सह लेते हो, उनकी बात मान लेते हो, बट आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो अपनी आज से ही बात रखना स्टार्ट कर दो। कैसे रखोगे, कोई आपके सामने खड़ा है, उसने कह दिया ये काम करना है, वहाँ जाना है, एक्सेट्रा, कोई भी आपको पॉइंट दे दिया, उसने ये करना है, इसके साथ फलाना ढीकना कुछ भी हो सकता है, वो डेंजर लुक दे के बोल रहा है आपको, आपको ये काम करना है तो करना ही है, वो कह देता है, तो आपको क्या करना है, घबराना कुछ नहीं है, उसकी आँखों में आँखें डाल के देखो, भले ही वो आपसे लंबा चौड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, डेंजर हो, कोई भी हो फैमिली का, बट आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो उसकी आँखों में आँखें डाल के देखो, कॉन्टैक्ट टू आई, आँखों से आँखें मिला के बात करो कि मैं नहीं करूँगी ये काम, नहीं करूँगा मैं ये काम, नहीं होगा मुझसे, कोई ज़बरदस्ती है क्या, मैं नहीं कर सकती। एक बार बुरे बनोगे बट आपकी वैल्यू देखना उस टाइम कितनी बढ़ जाएगी सबके बीच में, कि भाई ये लड़का ये लड़की ऐसी है जो अच्छा नहीं है, सामने कहते थे पीठ पीछे बुराई नहीं करती ना करता है, इस तरीके से आप दुनिया के सामने प्रेजेंट होगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, सलाम करेगी और आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करेगी कि वो लड़का है खरा कहता है, खरा कहती है वो लड़की, नहीं है तो नहीं है, है तो है,
वो काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इसको नहीं पसंद तो नहीं करेगी या नहीं करेगा। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो, फैमिली में, फंक्शन में, स्कूल, कॉलेज, स्टाफ, एक्सेट्रा, जहाँ भी हो अपनी बात रखना सीखो। फिर देखो लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं और आपको कितना मान सम्मान मिलता है। अगर चुपचाप सहते रहोगे तो लोग समझेंगे गधा है या गधी है, इससे कुछ नहीं हो सकता। बट मैं ये चाहता हूँ आप मेरी YouTube फैमिली हो तो आप इन चीज़ों को समझो, ताकि दुनिया आज के टाइम पे बहुत मतलबी है यार, दुनिया बहुत एडवांस में आगे निकल चुकी है, आप लोग कहाँ पीछे रह रहे हो यार। अगर चुप बन के रहोगे तो लोग दबाएंगे, कुत्ता समझ के लात मारेंगे, और मैं नहीं चाहता आप कुत्ता समझ के लात मारे जाओ, आपको लोग यूज करें। जो बात गलत है तो उसको कहना सीखो, कोई नहीं खा रहा, कोई नहीं मार रहा, और मार देगा तो एक दिन तो सबको ही मरना, मार देगा तो मर जाएंगे यार, वो कहाँ बच के जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी और क्या। एक दिन तो मरना, इससे अच्छा कल मरे, इससे अच्छा आज मरो ना यार, बट अपनी बात कह के मरना आपको, और किसी में हिम्मत नहीं है, कोई खा जाएगा मार देगा, ठीक है ना। तो अपनी बात रखना सीख लो आप आज से ही। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो आप लोग, विजिबल यू, आप गायब हो जाते हो हर जगह से, मतलब इतना शर्माते हो, मतलब शर्मीले बने हुए, शर्मीली बनी हुई हो, शर्माना, छुपना, मतलब घर के कामों से शर्माना, आंटी बैठी है घर के बाहर, अंकल और बैठे हैं, शर्मा रहे हो दुकान जाने में, पापा ने कह दिया ये काम करना है इस अंकल से, ये करना है इस आंटी से, ये पूछ के आना, अरे पापा शर्म आ रही है, पापा आप चल जाओ ना पूछने, यार मर जाओ यार, इतना क्या शर्माना। कोई खा रहा है क्या वो सामने आपको, कोई आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो जो आपको रोक लेगा, बैठा लेगा, या आप कोई क्रिमिनल हो वो आपको गोली मार देगा, कुछ नहीं हो ना आप यार। दुनिया में और भी लोग हैं आपसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, काले, चंपू, सब मान लो आप, दुनिया में बहुत लोग हैं, वो भी अपने काम करते हैं, कोई नहीं खाता दुनिया में। टिकटॉक पे देख लो पागलों जैसे सब वीडियो बनाते हैं, कई होते हैं मतलब ऊटपटांग हरकतें कर देते हैं, गिर रहे हैं लोगों के सामने, मतलब शर्टलेस इतरा रहे हैं, मतलब कोई लुक ही नहीं है फिर भी बना रहे हैं, तो वो तो नहीं शर्मा रहे, तभी तो उनको लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लोग हुनर की तारीफ़ करते हैं, प्रेजेंट होना पसंद करते हैं, तो वो प्रेजेंट हो रहे हैं, उनको लोग लाइक कर रहे हैं, वो फेमस हो रहे हैं, बट आप छुप रहे हो, अपनी काबिलियत छुपा रहे हो, पापा आप चल जाओ, आप पूछ के ले आओ, पापा आप कर लो ये काम, अरे यार पापा ने तो उम्र ले ली ज़िंदगी भर, आप करो ना अब यार, ऐसे ही शर्माते रहोगे तो काम चल जाएगा क्या, फिर नाया भी मत करो, शर्माया करो, बाहर भी मत निकला करो घर से, दुल्हन बन जाओ, एक नई नवेली घर में आती है जो, घूंघट ओढ़ के बैठ जाया करो, शर्माया करो, लोगों के बीच में जाओ ओढ़ लो, तौलिया ओढ़ के बैठ जाओ, शादी में जाओ तौलिया पहन के जाया करो ना यार हद है यार, शर्माने और वो में कुछ नहीं रखा यार। वो आदमी आपसे बात कर रहा है, वो लड़की आपसे बात कर रही है, वो तो नहीं शर्मा रहा, तो आप क्यों शर्मा रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। अपने आप को प्रेजेंट करो, कोई नहीं खाएगा मेरे कहने से, किसी के पापा गए ये काम करो तो जाके पूछना कि अंकल ये रास्ता कहाँ पर है, पापा बुला रहे, एक्सेट्रा, कोई भी रीजन हो आप मिलो, आपको खुद बिलीव नहीं होएगा कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ, नॉर्मली है। फिर आप देखो शर्माना, छुपना, ये चीज़ें करोगे ही नहीं, आप अपनी लाइफ इतनी इंजॉयबल कर लोगे, इतने मतलब चालाक और इतने मतलब समझदार बन जाओगे, दुनियादारी को सीखना है आपको तो आप सब चीज़ें सीख जाओगे, लोगों से मिलोगे, बाहर जाओगे, सफ़र वगैरह करोगे, तभी आपको अनुभव होएगा किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी हरकतें करते हैं, तो इससे आपको नॉलेज मिलेगा, तो आप दुनिया की चाल वगैरह औरों को समझ पाओगे, और आप अपने आप को वैसा ही बना लोगे ताकि कोई भी आपका यूज ना ले, मिसयूज ना कर सके आपकी लाइफ के साथ। तो बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना आपको, ताकि आपको नॉलेज हो, घर में कैद होके नहीं बैठना, जितना हो सके वीडियो शेयर कर देना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। शेयर तो आप लोग करते हो नहीं, बस सुन लिया, बस इतना ही मोटिव है, यूँ नहीं शेयर कर दे ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि 2 से 3 वीडियो डालता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है।